हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋतु जैन है। मैंने रिसेंटली IBPS PO का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मुझे उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। मैं आज आप सबके साथ अपनी इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ, प्री, मेंस और डिस्क्रिप्टिव की, जिसकी वजह से मेरा IBPS PO एग्ज़ाम क्लियर हो पाया है। इंग्लिश में हमें प्री और मेंस फर्स्ट डे से ही साथ प्रिपेयर करना है, बट अगर आपकी बैंकिंग की जर्नी की जस्ट स्टार्ट है तो पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद आप प्री और मेंस के लिए साथ में प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन अनअकैडमी और यूट्यूब से की है। इंग्लिश की प्रिपरेशन में मेनली तीन पार्ट्स हैं। पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा है ग्रामर और तीसरा है वोकैबुलरी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आप अपनी रीडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एक नॉवल से या फिर एक मैगज़ीन से, जस्ट अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। और जैसे ही आपको एक हैबिट पड़ जाए वैसे ही आप स्विच कर सकते हैं एडिटोरियल की डेली क्लासेस पे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग एग्ज़ाम्स दे चुके हैं पास्ट में, तो आप डेली एडिटोरियल क्लासेस देख सकते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं या आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट हो। मैंने अपनी जर्नी में निमिषा मैम की एडिटोरियल क्लासेस देखी थी जो रोज़ सुबह यूट्यूब पर मैम देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामर के बारे में। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो ग्रामर के लिए आप एक बुक है प्लिन टू पैरामाउंट, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बार अच्छे से थॉरली उस बुक को पढ़ना है। जब बेसिक्स क्लियर हो जाएँ उसके बाद आप अपने किसी भी ट्रस्टेड टीचर को फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो निमिषा मैम के 120 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं मैं उसे पढ़ती थी डेली। मैं सिर्फ 5 रूल्स पढ़ती थी बट मैंने डेली हैबिट बनाई थी पढ़ने की। ग्रामर में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें रियल रीज़न पता हो कि एरर सेंटेंस में क्यों है, हमें गेस वर्क नहीं करना है। दिस इज़ द बुक फॉर ग्रामर। वोकैब के लिए आप कोई भी अच्छी बुक रेफ़र कर सकते हैं। मैंने वोकैब प्रोडिजी रेफ़र करी थी। वोकैब पढ़ने से हमारी बहुत हेल्प होती है, जैसे क्लोज टेस्ट में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, फिल इन द ब्लैंक्स में। अगर हमें किसी पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पता है तो हम बहुत जल्दी उसको समझ के आंसर दे सकते हैं, इसलिए वोकैब पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिपरेशन करते टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है डेली टू डू लिस्ट बनाना। आप स्टार्ट कर सकते हैं छोटे छोटे गोल से, जब वो कंप्लीट होने लग जाएं तब अब धीरे धीरे अपनी टू डू लिस्ट को और एक्सपैंड करें ताकि आपका दिन और प्रोडक्टिव रह सके। ये मेरी टू डू लिस्ट है जो मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम डेली फॉलो करती थी। इसके अंदर एडिटोरियल क्लास है, वो यूट्यूब पे होती है, ये फ्री क्लास है। इसके अलावा परफेक्शन क्लास है, एरर डिटेक्शन क्लास है, ये दोनों पेड भी हैं और फ्री भी अवेलेबल हैं। और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, ये डेली मैं सिर्फ 5 रूल्स करती थी पर बहुत अच्छे से करती थी उन 5 रूल्स को। उसके बाद मैं वोकैब प्रोडिजी की बुक पढ़ती थी, वो 20-30 मिनट्स जैसे मेरे पास टाइम होता था मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ती थी। इसके अलावा हमेशा ये सारी क्लासेस आप रिकॉर्डेड देखिएगा, कभी भी लाइव मत देखिएगा ताकि आपका टाइम सेव हो। अपनी टू डू लिस्ट के साथ साथ आप डेली या तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए या फिर मॉक लगाइए, उससे भी आपकी बहुत हेल्प होगी, आपका स्कोर धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव होने लग जाएगा, आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होने लग जाएगी। अब हम आ जाते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जो है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की भी हम थोड़ी थोड़ी तैयारी स्टार्टिंग से ही करेंगे। जैसे अगर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो हम वीक में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार एक एसे और लेटर रीड करेंगे और उसे वीक में एक बार टाइप करेंगे। जैसे ही हमारा प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम डेली एसे और लेटर रीड करेंगे और अल्टरनेटिव डे पे हम उसे टाइप करेंगे। इससे हमारी स्पीड भी बेटर हो जाएगी और हम बहुत बेटर स्कोर कर पाएंगे डिस्क्रिप्टिव में। मैंने ये बुक रेफ़र करी थी अपनी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए। आप ये बुक या कोई और भी बुक रेफ़र कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। इंग्लिश में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करना।
सो उस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके कोई भी फर्दर क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप प्लीज़ कमेंट करिए, या आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे वो भी बताइए। और मैं होप करती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।